प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आरोग्य मंथन के समापन समारोह की अध्यक्षता करेंगे। दो दिवसीय आरोग्य मंथन समारोह का आयोजन आयुष्मान भारत पीएम जेएवाई का एक साल पूरा होने के अवसर पर किया जा रहा है। कश्मीर घाटी में 3 अक्टूबर से खुल जाएंगे हायर सेकेंडरी स्तर तक के सभी स्कूल। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल खोलने का आदेश किया जारी। 9 अक्टूबर तक घाटी में सभी कॉलेजों को भी खोलने का आदेश। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना साथ मिलकर लड़ेंगी विधानसभा चुनाव। सीट बंटवारे को लेकर बनी सहमति। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीट बंटवारे का करेंगे ऐलान। महागठबंधन में आरपीआई और आरएसपी समेत कई छोटे दल भी शामिल। बिहार और उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। राहत और बचाव के काम में जुटी एनडीआरएफ की टीमें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात कर ली ताजा हालात की जानकारी। केंद्र की ओर से हर मुमकिन मदद का दिया भरोसा। सार्वजनिक सेवा, विकास, ग्रामीण सशक्तिकरण और सामाजिक बुराइयों को लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार आज भी प्रासंगिक। दुनिया के लिए महात्मा के विरासत शीर्षक से उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का लेख। कहा, अपने विचार और कर्मों से महात्मा गांधी ने समय की रेत पर छोड़ी अमिट छाप।